लौकुश नगर में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो रहा है। नवरात्रि का समय होने के बावजूद भी नगर के छोटे बड़े सभी मंदिरों में ताला पड़ा हुआ है और लॉकडाउन का पालन करते हुए नगरवासी अपने घरों में रहकर ही पूजा अर्चना कर न सिर्फ नगर प्रदेश बल्कि देश की सुख समृद्धि और इस महामारी से उबरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लौकुश नगर की, जहां ताला लगा हुआ है। जिन मंदिरों में नवरात्रि के दिन भीड़ समाती नहीं थी, आज कोरोना के कहर के चलते उन मंदिरों में ताला है और लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। पूरे भारत में कोरोना वायरस की संक्रमण की महामारी के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। विशेष रूप से यह बात है कि चैत्र नवरात्र की इस दिनों पावन पर्व चल रहे हैं। लोग आस्था के कारण मंदिरों में हजारों की तादाद में भीड़ रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। लौकुश नगर में हम आज गायत्री मंदिर में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ताले बताते हैं कि लौकुश नगर में कितना लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। वहीं पे पंडित जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम मंदिर को पूर्ण रूप से लॉक किए हैं और अंदर पूजा करते हैं। वहीं श्रद्धालुओं से भी जब इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे लिए देश प्रेम रहेगा और हम अपने घरों में बैठ करके पूजा अर्चना कर रहे हैं और भारत देश की सुख समृद्धि के लिए मनोकामना कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पूजा तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र पहले है, राष्ट्र धर्म पहले है, उसके बाद धर्म हमारा आता है। तो क्या घरों में आप लोग पूजा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, घर में ही पूजा करेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए सबसे आग्रह किया है, वो हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और उनको मानेंगे भी। यह जो श्रीमान मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है लॉकडाउन, उसके लिए सब लोग मार रहे हैं, इसलिए मंदिरों में ताला पड़े हैं और घर में सब लोग कैद हैं, उसी का पालन कर रहे हैं जो उन्होंने आदेश दिया है कि 21 दिन आप अपने घरों में ही रहें। तो सब लोग अपने घरों में और मंदिर में अकेले हम भर खड़े आए हैं यहाँ बाहर, और कोई नहीं है।